हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक। एंड इस लुक को मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा रखा है। ये लुक उन लोगों के लिए भी काफ़ी इजी होगा जिन्होंने अभी अभी स्टार्टिंग करी है अपनी मेकअप में, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही बेसिक सा आई मेकअप किया है एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ये लुक है। एंड चलिए देखते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डर्माडॉग का ग्लाइकोलिक एसिड वाला टोनर यहाँ पे यूज़ किया है। बायोटिक का मैंने बायो कोकोनट क्रीम यहाँ पे यूज़ किया है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया है वादी हर्बल्स के लिप बाम की हेल्प से। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेकअप से पहले। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए यूज़ किया है NYB का फाउंडेशन। एंड मैंने बहुत कम अमाउंट में फाउंडेशन लेके इसको एक स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है अच्छे से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कंसीलर के लिए यूज़ किया है आई एम्स्टरडैम का कंसीलर। एंड अपने अंडर आइज़ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है एंड जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी कंसीलिंग की मैंने वहाँ वहाँ कंसीलिंग की अपने फेस पे। एंड अपने आईलिड पे भी मैंने सेम कंसीलर को अप्लाई करके ब्लेंड कर दिया है एंड पाउडर से सेट कर दिया है। एंड इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। एंड मैंने जो आई शेडो पैलेट यहाँ पे यूज़ किया है उसी में से ब्राउन शेड लेके मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर दिया है। पहले मैंने स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को कॉम्ब किया था एंड नेक्स्ट फिल करने के बाद भी मैं अपने आईब्रोज़ को स्पूली की हेल्प से कॉम कर रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे आईब्रोज़ पे लग जाता है ना वो रिमूव हो जाए। एंड इसके बाद मैंने अगेन अपने आईज़ को थोड़ा सा पाउडर से सेट कर लिया है क्योंकि मैं आई मेकअप करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने ये कलर अपने क्रीज अप्लाई किया एंड इसके बाद मैं ये थोड़ा उससे डार्क कलर है मैं इसको ले रही हूँ एंड अपने क्रीज पे मैं इसको ब्लेंड करूँगी। एंड उसके बाद मैंने ये थोड़ा डार्क सा ब्राउन सा कलर है तो मैं इसको अपने एग्जैक्ट जो मेरी क्रीज लाइन है मैं उस पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड आउटर व्यू पे लेके जा रही हूँ इसको एंड ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इसके बाद ये थोड़ा बिल्कुल लाइट ऑरेंजिश या पीची बिल्कुल लाइट पीची सा शिमरी शेड है तो मैं इसको अपने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरह के ब्रश की हेल्प से। एंड बहुत ज़्यादा सिंपल ये आई मेकअप है, कोई भी इस आई मेकअप को बहुत इजीली क्रिएट कर सकता है। मैं ये ब्राउन शेड लेके अगेन अपने जो आउटर वी है वहाँ पे कलर को अच्छे से मर्ज करूँगी ब्लेंड करूँगी एंड इस तरह से मैं आई शेडो को यहाँ पे ब्लेंड कर दूँगी। एंड नेक्स्ट मैं इसमें से इसी पैलेट में से ये कलर लेके अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ, अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं काजल के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये लैक्मे का काजल है एंड मैंने इसे अपने अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिया है अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का जेल आईलाइनर। मैं यहाँ पे सिंपल लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, कोई विंग वगैरह ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल मैंने यहाँ पे एक लाइनर ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से एंड इसके बाद मैंने जो अपने क्रीज पे कलर अप्लाई किया था उसे मैं एक पेंसिल ब्रश में लेके अपने अंडर आइज़ में जो मैंने काजल यहाँ पे लगाया था वाटर लाइन पे अपने तो उसके साथ मैं इसको मर्ज कर रही हूँ ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। एंड जो मैंने ब्राउन शेड मैंने अपने आउट ऑफ वी पे यूज़ किया था उसको लेके भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी यहाँ पे, यानी कि स्मोकी लुक दूँगी। एंड इसके बाद मैं अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ आई लैश कर्लर की हेल्प से एंड मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अपने अपर एंड लोअर लैशेस को मैं अच्छे से कोट कर लूँगी मस्कारा की हेल्प से एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करूँगी अपने फेस पे ये SFR का ब्रॉन्जिंग हाइलाइटर एंड ब्लश वाला पैलेट है
ब्रॉन्जर भी है इसमें, ब्लश भी है, हाइलाइटर भी है। सो मैंने इसी पैलेट में से ब्लश भी अप्लाई किया अपने फेस पे, ब्रॉन्जर अप्लाई किया था, एंड इसके बाद मैं हाइलाइटर भी सेम ब्रश सेम पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह के ब्रश मैं ले रही हूँ यहाँ पे हाईलाइट अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे मैं अपने चीक बोन्स को मैंने हाईलाइट किया है, अपने क्यूपिड बो को हाईलाइट किया है मैंने, चिन को हाईलाइट किया, फोरहेड को हाईलाइट किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने ब्रॉ बोन को भी अगेन मैं हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने नोज़ को थोड़ा काउंटर किया था, सेम मैंने पाउडर काउंटर यहाँ पे ये यूज़ किया है, एंड इसके बाद मैं अपने नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ सेम हाईलाइटर पिक करके इसी पैलेट में से। इसके बाद मैंने ये लिपस्टिक लगाई है एंड उसके ऊपर मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया था क्योंकि मुझे मैट लुक नहीं चाहिए था, इस तरह का ग्लॉसी लुक चाहिए था लिपस्टिक पे। तो यह है मेरा फाइनल लुक, एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।